Well, hi guys, this is Prince. Welcome back to Mr. and Mrs. Prince. अभी सुबह सुबह उठे हैं हम लोग, और हमारा उठते ही उसको गार्डन जाना है, बालकनी में जाने की जिद कर रही अच्छा है, और पैर पापा को जाना है दिल्ली, दिल्ली जाने की जिद कर रहे नहीं, हैं। पर दिल्ली में है बहुत गर्मी, तो जाने के फिर मन नहीं कर रहा क्योंकि मुंबई में है सर्दी। और अभी तक यहाँ का इंटीरियर कुछ खास नहीं हुआ है किचन के अलावा, और हम ऑलरेडी इतने महीनों का रेंट यहाँ पे कर चुके हैं। हम इंटीरियर के पैसे बचाना चाहते थे, लेकिन रेंट के जो पैसे इतने भर चुके हैं, उसका क्या इलाज है, क्या करें। गाइस देखो, हमने यहाँ पे खिड़की खोल रखी है ना, क्योंकि अच्छी बारिश की मतलब वातावरण हो रखा है, तो हमारा मिरर का हाल कुछ ऐसा हो गया, ये हवा की वजह से फॉग मिरर पे जम गई। हमारा क्या हुआ मिरर को, देखो हमारे मेरे पैरों की मालिश कर रही है। अब मैंने बोला भी नहीं, अपने आप से देखा बेटा, थैंक यू सो मच। मामा भी अभी करेगी आपके पैरों की मालिश। हाँ, अरे बाप दूसरा रे आप अपने तीसरा मम्मी की इतनी सेवा करोगे। सीरियस होके कर रही हाँ तेरी तो है। एक्चुअली इसने नानी का दबाते हुए देखा है ना, हम लोग नानी का दबाते हैं ना, वहीं से सीख लिया इसने तब से। ओ, इसके प्यारे प्यारे हाथ इतने अच्छे लग रहे हैं ना। ठीक है, हमारा हो गया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और एप्पल ना मैंने पहले खा दी, गलती ये कर दी। एप्पल ना देखो काले पड़ गए एप्पल, तो ये वाले हैं ये अमायरा और रेखा के लिए, बनाना मैंगो, ये तीनों आपके लिए हैं। इनमें से जो कैशू है वो अमायरा के लिए छुपा के लाया हूँ। देखो कैशू, इसको बहुत पसंद है कैशियो। हाँ देंगे वन बाय वन खाएंगे, ठीक है। आमंड है, वॉलनट है, मैंगो है। वाओ ये आप क्या खा कैसे, रहे हो? कैशियो कैशियो व्हाट इज दिस, बनाना, व्हाट इज दिस, एप्पल, मैंगो, ये जो कुछ। चलिए मैं क्या बोलूँगा, मैं बोल रहा हूँ पैकेजिंग का। आज मैं सबसे पहले तैयार हो गया हूँ, रेखा बाद में तैयार हुई है। देखो तैयार नहीं हुई, देखो भाग रही है, चेहरे पे देखो। पर ये है पानी पी रही थी क्या? ये अभी ये चल रहा था ऐसे ऐसे, कान के पीछे बाल देखा, मैं तो पानी पी रही थी। हमारे यहाँ सोए सोए कर रही है, अभी उठाने वाले हैं। वेल हाय गाइस, दिस इज प्रिंस, वेलकम बैक टू मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस। और आज है हमारा एनिमली अल्ट्रासाउंड का स्कैन मिला, एनिमली, हाँ अल्ट्रासाउंड है तो उसमें बेबी को हमें मे बी 4D भी देखने को उसमें मिलेगा। ऑप्शन था 4D वाला, मैंने सेम प्राइस था 2D 4D, मैंने 4D वाला क्लिक कर दिया। अच्छा, हालांकि डॉक्टर कहते हैं कि 28वीं वीक में कुछ करना चाहिए, तब अच्छा विजिबिलिटी रहती है ना। ये है तो बेबी को देखने को मिलेगा, पहली बार देखने को मिलेगा। और तो दूसरा वैसे बेबी जैसे होते हैं ना, बड़े होते होते चेहरा सब कुछ बदल ही जाता है। हमारा हमारा न्यू कैसे बॉर्न कैसी थी और अभी कैसी है, बेटर ही है, दिन पे दिन और प्यारे होते चले जाते हैं, लेकिन चेहरा एकदम अलग ही हो जाता है। आज सुई भी लगेगी वही। हाँ, सबसे पहले हमारा का वैक्सीनेशन होगा, 2 साल का वैक्सीनेशन उसको लगेगा, अभी ये 2 साल की हो चुकी है। उसके बाद मेरा अल्ट्रासाउंड होगा, एनिमली दोनों स्कैन। एक ही जगह पे हैं हाँ, वो जहाँ मेरी डिलीवरी थी वहाँ के लिए हॉस्पिटल भी तो बुक करना होगा ना वो, हाँ वो भी बुक आज ही। करेंगे। हाँ, क्योंकि मैं बात देखना चाहती हूँ कैसी रूम है, मेरे को भी दिखाना, बहुत ज्यादा बेबी बम बाहर आ चुका है प्लस रेखा के और पैरों में पैरों में फिर बहुत पे दर्द रहता काफी है, पेन होता है। हल्का सा स्वेलिंग है पर पेन बहुत ज्यादा। मैं 5 मिनट भी खड़ी होती हूँ, मेरे पैर दुख जाते हैं, मुझसे खड़ा नहीं हो और जाता। जब तुम वीडियो शूट करती हो लगता नहीं तुम पेन में हो। एक्साइटमेंट होती है वीडियो शूट करने की तो हो जाती है, लेकिन अब नहीं हो पाएगा मुझसे, तो मैं बैठ के ही सब कुछ करूंगी, खड़े होकर के मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक इतने इतने पैर में पेन होते, मैं कहती यार मॉल भी जाना है आज मुझे ना, कुछ शॉपिंग भी करनी थी। चलो चलते हैं, कैब आ गई है, अब मेरे को उठाते हैं चलते पर हैं। मॉल का कंफर्म नहीं है कि मैं वॉक कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। अरे बाहर निकलते ही मॉल ऐसे कहा ये मॉल है, चलो ठीक होगी, चलो चलते हैं। क्या नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं आप? हाथ भी नहीं पकड़ने देती है ये, देखना क्या मारे, क्या हुआ? वो रखेगी हो मम्मा को भी रखना है, ठीक है?
पापा सेफ्टी बेल्ट है हमारा की। आप गिरना चाहो इसलिए ऐसे हाथ रखा है हमारा। हम जा रहे बेबी को देखने, हम जा रहे छोटे छोटे बेबी को देखने जा रहे हैं। बेबी बेबी सबसे प्यारा कौन है? ये लो बाल। बच्चों ने करते थे ऐसे, कमेंट करके बताना कि ऐसा अच्छे कुछ होता है या नहीं होता। अब हमारा भी साथ में जाएगी ना बेबी को देखने के लिए। जाओगी बेबी को देखने? हमारा को भूख लग गई, हमारा खा रही है चने, है ना? चने खा रही हो? यम्मी 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 चने। अब हम जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड स्कैन के लिए, और हमारा भी देखेगी अपने भाई बहन को। कौन सा गेम? मेरी अल्ट्रासाउंड स्कैन के बाद अमारा की वैक्सीनेशन के लिए हम गए, और अमारा को दो वैक्सीनेशन लगी। इस बार वो थोड़ा सा डर गई थी, अदरवाइज वो खुश रहती है। जब उसका वैक्सीनेशन होता है ना, डॉक्टर इतने अच्छे से करते हैं कि बच्चे को पता ही नहीं चलता है, बट इस बार इसने देख लिया और थोड़ी सी क्राइंग। क्या हुआ यहाँ पे, दिखाओ हमारा, क्या हुआ? दिखाओ दिखाओ दिखाओ, मम्मा को दिखाओ। ओ हमारे को वैक्सीनेशन लग गया, तू तो वैक्सीनेशन, पर हमारा तो स्ट्रांग गर्ल है ना, हमारा स्ट्रांग गर्ल। ली मेरा अल्ट्रासाउंड हो गया और हमारा का वैक्सीनेशन भी हो गया है। उतना नहीं रोई इस बार ना, थोड़ा सा ही रोई, ज़्यादा नहीं रोई। और अभी हम बुकिंग का वेट कर रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और ये है मखाना, हमारा मखाना खाओगे? ये खा लो वन बाय वन। हाँ खाओगे उपमा? खाओगे? सो जहां दूसरी बेबी की डिलीवरी होगी वाला रूम हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं। वाइट आ, देखो यहाँ आएंगे आपके भाई बहन। हाँ तो हमारा को मजा आएगा। सो तीन दिन का पैकेज है, 4 लाख रुपए पे करना है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बेसिकली सेलिब्रिटीज़ लोग यहाँ पे आते हैं उनकी डिलीवरी कराने के लिए, तो ये रूम बहुत ज़्यादा हाई फाई महंगा लगा। बट लास्ट टाइम हमने यहीं कराया था, बट इस बार सोच रहे हैं कि थोड़ा कुछ बजट फ्रेंडली ढूंढ ले तो कैसा रहे। वैसे लास्ट टाइम जब हमारा की डिलीवरी हुई थी ना, ऐसा ही ऑलमोस्ट सेम रूम था, वो भी टॉप कैटेगरी का था, लेकिन वहाँ पे बजट उस टाइम कम था। अभी तो डबल रेट कर दिए हैं, और इसमें डॉक्टर की फीस और बाकी चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है, तो देख रहे हैं दूसरा रूम। ये दूसरा रूम दिखाया जो कि ओके ओके बजट में था, बट रूम का साइज थोड़ा छोटा था। ये आजकल इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई ना, ये रेट सुन करके मेरे तो सच में होश उड़ गए थे, मेरा मूड थोड़ा ऑफ हो गया था। यार बाप रे, इतना महंगा कर दिया है। सर्विस ऑसम होती है यहाँ की, लेकिन रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बलून, बलून आपको चाहिए? यू वॉन्ट बलून? देखो ऐसे ही उसमें आए थे, हमारा भी ऐसे ही उसमें आई थी पहली बार मम्मा के पास। कटेगा तो डरना नहीं है, ठीक है?
नाइस बलून। सी बेबी हमारा बेबी मारा हमारा बलून दे दो मम्मा को, बलून दे दो, मैं आपके बलून से खेल लूं। बताओ वैक्सीनेशन लगाता है इस लड़की को, भी इतनी खुश है। वैक्सीनेशन लगा था ना आपको, सुई लगा सुई कहाँ लगी थी दिखाओ, कहाँ लगा था आपको, क्या हुआ वहाँ पे दिखाओ। ओ सुबह इतनी तेज धूप थी और अब इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, मुंबई की मौसम में कुछ कह नहीं सकते। अल्ट्रासाउंड की बात पहले तो देखा नहीं था, फोटो अभी मैं देख रही हूँ एंड बेबी हमारा जैसी जैसा जैसी ही है। नहीं पर बेबी बहुत हमारे से भी तेज लग रहा है चेहरे से, नॉटी बहुत चाप लग रहा है, लग रही है जी व्हाटएवर। देखो हमारे ना वाओ, मम्मा किस कर दो टचमच में अब से, ये हमारा बेबी है। यस बेबी को दूध पिला देते हैं मम्मा मैं। देखो इसका मुंह देखो कैसा हो गया। हम अपने आ जाओ मेरे बच्चा, हम अपने सब्सक्राइबर्स को दिखाते हैं ना, हम आपको दिखाएंगे, स्क्रीनशॉट लगाएंगे, बेबी का स्क्रीनशॉट लगाएंगे, आप देखना और बताना। तो पहली बार हमने बेबी का फेस रिवील कर दिया, दूसरी बार रिवील किया है। डुअल मार्कर में हमें थोड़ा बहुत चेहरा नजर आ रहा है, पर अभी बहुत ज्यादा क्लियर नजर आ रहा है क्योंकि हाथ पैर नाक सारे बॉडी पार्ट अच्छे से बन के तैयार हो गए हैं। और जॉलाइन तुम पे गई है, जॉलाइन मेरे पे तुम्हारे जवानी की फोटो में, जैसे तुम्हारे जॉलाइन शार्प हो वैसे अभी बुढ़ापे में तो नहीं है, ये अपने आपको बुढ़ा मानती नहीं है, कहते हो तो अभी 16 साल का हूँ, मैं लोगों को यकीन दिला सकता हूँ मैं 16 साल का हूँ। अपनी हरकतों से लिफ्ट में अंकल मिले वो तो कह रहे आओ मेरे घर खेलो हमारा को, अब मेरे पास 3-4 फ्रेंड है मेरे जितनी एज के, आपकी जितनी एज की थोड़े बड़े हैं। बाकी डॉक्टर ने बोला स्कैन में सारे बॉडी पार्ट सही से आए हैं, सब अच्छे से ग्रोथ हो रही है। दूसरा रूम भी हमने देख लिया है जो बुक करना है, तो एक दो दिन में वो भी बुक कर देंगे। इसमें डिलीवरी डेट नवंबर में आई है, मिड नवंबर में हो सकता है डिलीवरी। तो अगेन मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था कि 11 महीने की प्रेगनेंसी हो सकती है, तो 11 तो नहीं मुझे लगता है 10 महीने की प्रेगनेंसी हो सकती है, 9.5-10 महीने की हो सकती है, क्योंकि अगेन जैन से अगर काउंट किया जाए तो इतना ही होगा। क्या हो गया, क्यों हंस रही, क्योंकि लोग बहुत कॉमेंट कर रहे थे काउंट करते थे दीदी आपकी कैलकुलेशन गलत की है, ऐसे नहीं होगा वैसे होगा। फेब से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, मिड बोला अब तो टोटल 10 से आगे निकला है, कितना गया 10 महीने 2 हफ्ते, यानी कि 10.5 महीने हो गए अब तो, अब 10.5 महीने हो गए। अच्छा अब ये भी सवाल उठता है कि जैन से ही क्यों काम कर रहे हो, जब जैन में लास्ट पीरियड जाते तो, क्योंकि जब भी अल्ट्रासाउंड के जाते हैं वो यही पूछते हैं कि लास्ट पीरियड कब आ रहा है, एलएमसी डेट ना, हां लास्ट एलएमसी की डेट से ही प्रेगनेंसी के वीक्स काउंट किए जाते हैं, तो उस हिसाब से मैंने ये बोला है। आप चिंता ये करो वो छोड़ो यार, ये छोटी बात है, रेखा हेल्दी हो, रेखा बच्चा हेल्दी है तो मैं हेल्दी हूँ, हमारी तो हेल्दी रहेगी, तो तुम हेल्दी तो हम क्या करें, बच्चे आओ गोदी, डरा दिया उसको, आ जाओ आज हमारा हॉस्पिटल सब दंग रह गए कि भाई कितने साल का बच्चा है ये, कितना बोल रही है, मैं खुद हैरान रह गई कि इतना तो सिखाया नहीं था जितना ये बोल गई है ना हमारा। आपने बेबी देखा, बेबी को किस किया आपने, आपने बेबी को किसने किया, बेबी को किस कर दो, बेबी किस कर दो, वाओ उसकी नोज कहाँ है बेबी की, नोज ईयर कहाँ बताओ, नोज कहाँ है बेबी की, बाप तुम बताओ लिप्स कहाँ है बेबी की, लिप्स अब वो वाली फोटो में दिख रहा है, लिप्स नोज है ना, फिंगर्स लिप्स किसी दे दो, किसी दे दो, बेबी है आपका छोटा भाई बहन है, प्रॉपर्टी के दो हिस्से मन में भर दो अभी से, ऐसी बात है ये अपनी अलग प्रॉपर्टी बनाएगी और ऐसी बनाएगी ना, देखते रह जाओगे आंखें फटी रह जाएगी इसको एक वीडियो में, वो तो शॉर्ट में था ऐसे ही, बाकी हमने जो बनाया वो बच्चों को थोड़ी ना है, बच्चे अपना खुद ऐसा बनाएंगे कि हमें बुलाएंगे रहने के लिए उसमें, है ना, आपको नहीं रहना औरे में और ना ही बेबी को रहना है, ठीक है, मम्मी यहाँ पर रहेंगे, बुढ़ापा अपना जवानी जैसा काटेंगे, चलो
चलेगा वीडियो में जब भी हम कहते हैं सुना दो या बाहर कहते हैं किसी के सामने सरगम सुना दो सारे का पता और वैसे क्या करती है कान पे हाथ रखती है सारे तुम मत गाय करो बहुत बिसरी आवाज है। चलो अभी थोड़ा थक गई हूँ कुछ खाऊंगी पीऊंगी इसके बाद मिलते हैं ब्लॉगिंग करते हैं। अब तुम्हें तसल्ली है सब ठीक है नहीं तो हाँ लकी रेखा माँ है और मैं बाप हूँ एक होता है ना नौ महीने इन्फॉर्मेशन तो लोगों को पता ही नहीं थी नहीं मैं फीलिंग बता रहा हूँ माँ और बाप की है ना दोनों का प्यार बच्चे के लिए बराबर रहता है केयर भी बराबर रहती है बच्चे को कुछ हमारा खेलती है चोट लग जाती है ना वो है ना बचपन में माँ का दिल 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 है ना वो स्टोरी सुनते हैं ना कोई बीवी कहती है गर्लफ्रेंड कहती है जा मेरे लिए क्या कर सकता है कहा तुम जो बोलो मैं वो कर सकता हूँ तो कहे जा अपनी माँ का दिल निकाल के ले आओ वो अपनी माँ का दिल निकाल के अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ जो होती है उसके लिए ले जाता है तो वो रस्ते में गिर जाता है दिल भी गिरता है तो वहाँ से दिल में समझ आती है बेटा चोट तो नहीं लगी तो ये माँ का दिल होता है। बहुत इमोशनल सॉन्ग है। हाँ वो जो मैं समझा रहा हूँ बाप का दिल है दिल पर माँ का दिल ज़्यादा है क्योंकि नौ महीने अपने आप को तकलीफ दे के अपना जो खाना खाते हैं वो खाना अपने थ्रू बच्चे को पहुँचाते हैं नौ महीने के बाद दो तीन साल तक एक करवट रह के दूध पिलाना होता है ना बहुत से लोग इस टॉपिक पे बात नहीं करते बहुतों को पता नहीं क्या लगता है कि क्या बात कर दी भाई क्या है माँ जब दूध पिला रही है बच्चे को कितना कष्ट होता है जितनी भी मेरी बहनें हैं जो देख रही हैं जितनी भी हैं जो सीनियर्स हैं जो भी बुजुर्ग भी हैं उन्होंने भी अपने बच्चों को या मेरी माँ ने भी मुझे पिलाया होगा तो जो दो साल तीन साल तकलीफ होती है नौ महीने पेट में होती है वो बाप के तकलीफ नहीं हो सकती बाप की वैल्यू होती है पर माँ का जितना पेन होता है उतना नहीं हो सकता। हम तो एक ही काम करते हैं बाहर गए जॉब की या कुछ काम किया अरे थक गए पर घर में रह के हाउस होल्ड पूरा करना झाड़ू पोछा खाना बनाना है फिर जॉब करना या फिर वर्क फॉर होम करना फिर बच्चों को संभालना फिर दूध पिलाना ये सब कुछ इसलिए कहते हैं नारी शक्ति को सलाम करना चाहिए रिस्पेक्ट देना चाहिए। जो इंसान नारी को रिस्पेक्ट देता है वो कभी भी किसी भी फील्ड में मार नहीं खा सकता है भगवान का आशीर्वाद सर पे बना रहता है देर हो जाता है पर उसको फल मिलता है पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो फल लेने के लिए रिस्पेक्ट करने लगो। किसी की बहन को अपनी वाइफ को या अपने माता पिता को तकलीफ ना दो उनको रिस्पेक्ट दो सुबह उठो प्रेयर करो कि फैमिली मेंबर दुनिया में लड़ाई झगड़े ना होए क्राइम कम हो जाए बिल्कुल ख़त्म हो जाए अपने आप को सुधारो तो आपके आसपास जो आपके फैमिली मेंबर सब सुधर जाएंगे। गलत कह रहा हूँ तो कमेंट कर देना है ना लड़कों को अभी भी समझ नहीं आएगा वो कहेंगे नहीं हमारा अलग होता है आदमी आग है औरत समुद्र है तो उसको आप नाप नहीं सकते ठीक है ज्यादा लेक्चर हो जाता है कई बार मुझे लगता है कि आप लोग भाग जाते हो कहते हैं क्या है भैया बोरियत नहीं सुननी सब मालूम है। एंट्रेंस ने जो भी बोला वो सारी माओं के लिए था ही इज नॉट टेलिंग एनीथिंग ओनली फॉर मी इट्स फॉर ऑल द मदर्स मैं सबके लिए कह रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में माए जो बनने वाली है जो बच्चे हैं जो अभी छोटे हैं मैं अपनी बच्ची हमारे के लिए भी कह रहा हूँ क्योंकि वहां से एक उड़ता हुआ कमेंट आ रहा है कि जैसे तुम ही लोग प्रेग्नेंट हुए हो यही पहली बार माँ बन रही है तुम्हें ही ज्यादा पता है नहीं भाई प्रेग्नेंट सब होते हैं पर अब हम पे जो पावर है सोशल मीडिया की तो हम लोगों को अवेयर करने की शक्ति है तो हम उस प्लेटफॉर्म का सही यूज करें ना अमायरा आ रही है ये आ गई अमायरा बैठ जाओ चीटा चीटा क्या कर रहे हो चीटा नजर आ गया क्या चीटा कौन सा चीटा 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 अच्छा चीटा चीटा अब मायरा काफी खुश थी वो अंदर बैठी थी अल्ट्रासाउंड चेयर पे वहीं पे गई थी ओ बेबी ओ वाओ बेबी अब मायरा ने बेबी को देखा उसे फ्लाइंग किस भी किया फ्लाइंग किस किया ना आपने कैसे किया बेबी को सबसे प्यारा कौन है लग जाएगी आप क्या कर रहे हो लग जाएगी लग जाएगी। सबसे प्यारा कौन है पापा मैं मेरे पापा
आज के लोग यहीं खत्म करते हैं। बाय गाइस।